छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में डॉक्टरों की टीम ने इसी संगीत के साथ सबको कोरोना के जंग में सहयोग करने की आशा और अपेक्षा की है। सो आइए हम एक हिंदुस्तानी बनने का फर्ज निभाएं। आपके जिम्मेदार नागरिक बनने का अब जो है समय आ गया है, क्योंकि कोरोना के आंकड़े 800 के पार हो चुके हैं, जो कि एक बहुत गंभीर है। सो सब स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, क्योंकि ये ऐसी जंग है जिसको दौड़ कर नहीं जीता जा सकता। इसमें आपके पैर थमे रहना चाहिए, तभी हम इस जंग से जीत सकते हैं। सो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने धैर्य क्लासेस में। सो जैसा कि पता है, आज 28 मार्च है, लेक्चर नंबर 6 है ये EIM का, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेजरमेंट्स। आज हम देखने वाले हैं CRO। द फुल फॉर्म ऑफ CRO इज कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। तो CRO को बोला जाता है कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप। क्लास शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने दो क्वेश्चन पूछा था, एक है व्हाट इज लिमिटिंग एरर्स और दूसरा है इम्पॉर्टेंस एंड कैलिब्रेशन, इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड और कैलिब्रेशन। तो बहुत सारे लोगों के आंसर मेरे को देखने को मिले कमेंट बॉक्स में। रेशमा मौर्या का कमेंट आया है, धर्मेंद्र कुमार ने कमेंट किया है, अंजलि मौर्या है, मंजू निषाद, फिर है प्रवीण गुप्ता, वैष्णवी मौर्या, रागिनी चौहान, विपुल सिंह, गौरव वर्मा, शिवा चौहान, किशन जायसवाल का कमेंट आया है, थैंक यू सर, ऑल कंटेंट वाज सुपर्ब एंड गुड, ओके थैंक यू वेरी मच। ईश्वर चंद है, सीमा गुप्ता का कमेंट आया है, टेम ने कमेंट किया है, ग्रेट कंटेंट, कीप इट अप ब्रो, ओके थैंक यू वेरी मच। अशोक तिवारी जी का कमेंट है, राम सूरत हैं, अवधेश गुप्ता हैं, घनश्याम तिवारी हैं, खुशबू सिंह का जो है कमेंट आया है, नाइस क्लास सर, अजय कुमार और आदित्य पाठक ने थैंक यू बोला है, नाइस वीडियो बोला है, ओके थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ऐसे ही चैनल के साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए घर में जो है। तो शुरू करते हैं CRO। तो CRO को बेसिक देते हैं, CRO को बेसिक आप कंसंट्रेट होकर के CRO के बेसिक के बारे में देखेंगे। जैसे ऑस्किलोस्कोप मतलब होता है ऑस्किलेशन, CRO स्कोप, जैसे एक वर्ड शुरू हो गया आप लोगों ने सुना है टेलीस्कोप, तो टेली मतलब दूर का, स्कोप मतलब देखने का यंत्र, दूर के देखने का यंत्र, या दूरदर्शी बोलेंगे इसको, उसी टाइप का ये जो है इसको हम बोल सकते हैं कैथोड ऑस्किलोस्कोप। तो ऑस्किलोस्कोप, तो स्कोप मतलब देखना, और क्या देखना, ऑस्किलेशन, तो दोलनदर्शी बोल सकते हैं इसको। तो इसमें जो है कैथोड रे का उपयोग करते हैं ऑस्किलोस्कोप के लिए, तो ये दोलनदर्शी है। तो ऑस्किलेशन इसमें देखेंगे, वेवफॉर्म का ऑस्किलेशन देखेंगे यूजिंग CRO। सो बेसिक देखते हैं, सो बी जो है कंसंट्रेट। सो द फर्स्ट लाइन इज द CRO इज वेरी यूजफुल वर्सटाइल लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट, लैब में उपयोग होने वाला इंस्ट्रूमेंट है। यूज फॉर किसके लिए उपयोग होता है इसका, डिस्प्ले मेजरमेंट एंड एनालिसिस ऑफ वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म के डिस्प्ले के लिए, उसके मेजरमेंट के लिए और एनालिसिस के लिए इसका मेनली प्रयोग होता है। CRO इज इनफैक्ट ए वेरी फास्ट XY प्लॉटर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ये प्लॉट करेगा, दिस वन इज वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। सो XY प्लॉटर है ये, डिस्प्लेइंग एन इनपुट सिग्नल वर्सेस टाइम और एनअर सिग्नल। जो भी इनपुट सिग्नल रहेगा उसको या तो टाइम के वर्सेस ये करेगा, या तो फिर दूसरे सिग्नल के सापेक्ष क्या करेगा, इसमें डिस्प्ले करेगा। द स्टेलस, तो स्टेलस मतलब क्या होता है इसका, आप जो है सुने होंगे स्टेलस, कुछ इस टाइप का पेन टाइप का होता है, नॉर्मली स्मार्टफोन में भी यूज होता है स्टेलस का जो है, ओके ये कर्सर पर्पस के लिए होता है, मार्किंग पर्पस के लिए। तो इट इज जस्ट लाइक ए फॉर्म ऑफ पेन, कलम बोल सकते हैं, नुकीला कलम, ठीक है। आप दिस प्लॉटर इज ल्यूमिनस स्पॉट, तो इसका जो प्लॉटर है, इस प्लॉटर का जो ये है, समझ लो ये है, ये आपका जो XY प्लॉटर है, तो XY प्लॉटर क्या प्लॉट करेगा, तो ये स्टेलस है मेरे हाथ में समझ लीजिए, जब फॉर एग्जाम्पल कुछ देर के लिए, तो ये स्टेलस है, स्टेलस का ये नुकीला पॉइंट है, तो ये ल्यूमिनस स्पॉट। तो CRO की स्क्रीन पे जैसे है कुछ इस टाइप की स्क्रीन है, तो ये ल्यूमिनस स्पॉट आएगा। Which moves over the display area in response to input signal. Input signal के आधार पर वो क्या करेगा, move करेगा display area में। तो input signal जैसा रहेगा, जो रहेगा उसके हिसाब से ये display area में move करेगा, luminous spot, spot रहेगा पहले। The luminous spot is produced by beam of electrons. तो ये आपका luminous spot है, इधर क्या है, beam of electrons आएगा, beam of electrons आकर के यहाँ पे spot बनाएगा। तो it is just like it is produced by beam of electrons. तो beam of electrons यहाँ पे आ रहे हैं, beam of electrons, तो हमको चमकीला point या luminous spot मिल रहा है। स्पॉट मतलब धब्बा होता है, ल्यूमिनस मतलब चमकीला। ल्यूमिनस अभी आ रहा है, सचिन तेंदुलकर जी ऐड करते हैं उसका आपने। स्ट्राइकिंग ए फ्लोरोसेंट स्क्रीन, स्क्रीन का नाम बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो भी स्क्रीन रहेगा CRO का जैसे ये, तो उधर से ल्यूमिनस स्पॉट आ रहा है पीछे से समझ लो, और
वो किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन का पुंज है, इलेक्ट्रॉन का पुंज, तो इलेक्ट्रॉन का समूह है, तो इसको बोलते हैं एक साथ इलेक्ट्रॉन बीम। द नॉर्मल फॉर्म ऑफ सीआर यूजेस ए हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज, तो इसमें दो प्रकार के वोल्टेज होंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, तो वर्टिकल में हम लोग इनपुट देंगे और हॉरिजॉन्टल में क्या करेंगे, एक एक जो है सिग्नल देंगे। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ सीआरओ, जो सीआरओ का नॉर्मल फॉर्म होता है, यूजेस हॉरिजॉन्टल इनपुट वोल्टेज विच इज एन इंटरनली जनरेटेड रैम वोल्टेज, अंदर से जनरेट होता है सीआरओ के अंदर में, सीआरओ मशीन के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे रैम वोल्टेज जनरेट होगा, जिसको किस में देंगे हम लोग, हॉरिजॉन्टल इनपुट में उसको फीड करेंगे। तो दो प्रकार के इनपुट होते हैं, देखते हैं कौन कौन से इनपुट होते हैं और इस टाइम बेस का क्या काम होता है। सो लेट अस सी, इसके बाद इसका थोड़ा सा बेसिक और बचा है, सो लेट अस सी कि टाइम बेस के बाद क्या होता है। ओके, तो जो हॉरिजॉन्टल इनपुट था वो टाइम बेस था, ठीक है। हॉरिजॉन्टल इनपुट में हम लोग टाइम बेस देंगे, टाइम बेस कहाँ से जनरेट होगा, टाइम बेस वोल्टेज जो होता है, रैम टाइप का वोल्टेज होता है, वो इंटरनली सीआरओ में जनरेट होता है। आगे देखते हैं, दिस हॉरिजॉन्टल वोल्टेज मूव्स द लिमोनस स्पॉट पीरियोडिकली इन ए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करूँ तो क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है, क्षैतिज, तो क्षैतिज में कहाँ कहाँ जा सकते हैं, इधर राइट जा सकते हैं, इधर लेफ्ट जा सकते हैं। तो जो हॉरिजॉन्टल वोल्टेज होगा वो लिमोनस स्पॉट को क्या करेगा, पीरियोडिकली लेफ्ट और राइट में मूव करवाएगा, आइदर लेफ्ट और राइट, ये स्पॉट जो है मूव करेगा राइट में या लेफ्ट में, राइट में या लेफ्ट में, लेफ्ट टू राइट ओवर द डिस्प्ले एरिया ऑफ स्क्रीन, जो भी स्क्रीन का डिस्प्ले एरिया रहेगा उसमें क्या करेगा, स्पॉट मूव करेगा, कहाँ से कहाँ मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, डोंट फॉरगेट। तो जो हॉरिजॉन्टल वोल्टेज है उसका काम होता है स्पॉट को लेफ्ट टू राइट मूव करवाना। द वर्टिकल इनपुट, अब देखते हैं वर्टिकल इनपुट क्या होता है, द वर्टिकल इनपुट ऑफ सीआरओ इज वोल्टेज अंडर इन्वेस्टिगेशन, कौन से वोल्टेज को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उसको हम लोग किस में अप्लाई करेंगे, वर्टिकल इनपुट में। द वर्टिकल इनपुट मूव्स द लुमिनस स्पॉट अप एंड डाउन, अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ऊर्ध्वाधर की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल की बात करता हूँ। वर्टिकल में क्या रहेगा, दो दो केसेस होंगे, या तो अप जाएगा तो डाउन जाएगा, तो इसमें क्या होगा, स्पॉट जो है ऊपर नीचे मूव करेगा। सो द वर्टिकल वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप एंड डाउन मूवमेंट, द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, द हॉरिजॉन्टल वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट, डोंट फॉरगेट। सो द वर्टिकल इनपुट मूव्स द लुमिनस स्पॉट अप एंड डाउन इन अकॉर्डेंस विद द वैल्यू ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के वैल्यू के हिसाब से मूव करेगा अप और डाउन। द लुमिनस स्पॉट दस ट्रेसेस द वेवफॉर्म ऑफ द इनपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट्स वाई जो लुमिनस स्पॉट है वो ट्रेस करेगा या डिस्प्ले करेगा वेवफॉर्म को विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में इसको क्या करेगा, ट्रेस करेगा या डिस्प्ले करेगा। व्हेन द इनपुट वोल्टेज रिपीट इटसेल्फ एट ए फास्ट रेट, जब इनपुट वोल्टेज अपने आप को रिपीट करेगा फास्ट रेट में, द ट्रेस ऑफ द स्क्रीन अपीयर्स स्टेशनरी ऑन द स्क्रीन, तो जो ट्रेस रहेगा या जो बिंदु रहेगा, जो स्पॉट रहेगा, वो क्या करेगा, स्टेशनरी लगेगा। कब लगेगा, जब उसका गति जो है फास्ट हो जाएगा, फास्ट रेट के साथ मूव करेगा, तो जो भी पॉइंट्स हैं वो पॉइंट्स क्या करेगा, इस टाइप का लकीर समझ में आएगा, स्टेशनरी हो जाएगा। सो द सीआरओ ऑपरेट्स ऑन वोल्टेजेस, वोल्टेजेस वेवफॉर्म में, वोल्टेजेस में सीआरओ ऑपरेट करता है। सीआरओ का सबसे पहले हम लोग देखते हैं सीआरओ का सीआरटी। सो जो सीआरओ का मेन पार्ट है देख लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सीआरटी, द फुल फॉर्म इज कैथोड रे ट्यूब, ये ट्यूब जैसे रहेगा, आप उसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं बोर्ड पे, स्ट्रक्चर है उसका। सो द सीआरटी इज, वी कॉल सीआरटी एज हार्ट ऑफ सीआरओ, हार्ट ऑफ सीआरओ, ये सीआरओ का हृदय होता है, द सीआरटी इज हार्ट ऑफ सीआरओ। सो लेट अस सी इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं, तो इसको एक्चुअली इसके मेन पार्ट हैं, इसके मेन पार्ट को हम लोग पांच भागों में बांटते हैं, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली देख रहे हैं ब्लू में दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जो भी चीज़ें यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक देख पा रहे हैं आप, एक हीटर है जो इनडायरेक्टली हीटेड होता है, देखेंगे सब करेक्टरिस्टिक देखेंगे, देन कैथोड है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकल के पार हुआ इसमें, तो इसको बोलते हैं ग्रिड बोलते हैं, और ये जो है कभी कभी इसको बोलते हैं कंट्रोल ग्रिड, क्योंकि ये कंट्रोल करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, देखेंगे कैसे होता है। देन यह जो जो है तीन प्रकार के एनोड होते हैं, फर्स्ट वन को बोलते हैं प्री एक्सेलरेटिंग एनोड, सेकंड को बोलते हैं फोकसिंग एनोड, और थर्ड वन इज कॉल्ड एक्सेलरेटिंग एनोड। तो इतना जो पूरा असेंबली है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गन असेंबली। सेकंड वन है डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली, डिफ्लेक्ट करेगा, किसको डिफ्लेक्ट करेगा, स्पॉट को डिफ्लेक्ट करेगा, जैसे कि हम लोग देखे थे कि हॉरिजॉन्टल जो मतलब डिफ्लेक्शन करेगा वो स्पॉट को लेफ्ट टू राइट करेगा, और जो वर्टिकल करेगा वो अप टू डाउन करेगा। तो दो प्रकार के प्लेट होते हैं, एक वर्टिकल प्लेट, वर्टिकल डिफ्लेक्शन प्लेट, और हॉरिजॉन्टल डिफ्लेक्शन प्लेट, इन दोनों को मिला के बोलते हैं डिफ्लेक्शन प्लेट असेंबली।
थर्ड वन है फ्लोरोसेंट स्क्रीन, स्क्रीन देख रहे हैं आप, ये फ्रंट वाला सीआरओ स्क्रीन है, इसको फ्लोरोटेन मतलब फ्लोरोसेंट स्क्रीन बोलते हैं, क्यों बोलते हैं देखेंगे, इसमें एक मटेरियल का यूज़ होता है, उसका करेक्टरिस्टिक भी देखेंगे आने वाली क्लास में। ग्लास एनवलप इसमें विजिबल नहीं है, ग्लास एनवलप इसको पैक करेंगे ग्लास से, तो इसको बोलेंगे ग्लास एनवलप। बेस, बेस ये दिख रहा है बेस, तो बेस क्या है कि थ्रू विच कनेक्शन आर मेड, थ्रू विच कनेक्शन आर मेड, इसकी सहायता से हम लोग इसको मतलब इसकी सहायता से हम लोग कनेक्शन देंगे अलग अलग भाग में, ठीक है। तो ये जस्ट एक इंटरनल स्ट्रक्चर आप सीआरटी था, सीआरटी का इंटरनल स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, ये मेन मेन इसके पॉइंट्स हैं, और इसको पांच भागों में बांटा गया है। तो देखते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक मेन वर्किंग क्या होता है, सो लेट अस सी वन बाय वन कि इलेक्ट्रॉन कैसे जनरेट होता है और वहाँ तक कैसे स्क्रीन तक पहुँचता है, सो लेट अस सी। तो जो सीआरटी में जो इलेक्ट्रॉन जो होता है सीआरयू मतलब सीआरटी में इलेक्ट्रॉन कैसे उत्पन्न होता है और वो कैसे स्क्रीन तक पहुंचता है और क्या नाम है ल्यूमिनस स्पॉट बनाता है, उसको देखते हैं हम लोग, उसकी एक छोटी सी कार्यविधि देखते हैं कैसे होता है इसमें। लेट अस इन ब्रीफ, सो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली ईजीए प्रोड्यूसेस ए शार्पली फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर एक्सेलरेटेड टू हाई वेलोसिटी, उच्च त्वरण से वो लोग त्वरित होते हैं, उच्च वेलोसिटी से हाई वेलोसिटी से वो लोग त्वरित होते हैं। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों का समूह, एक टाइप से बोला जाता है इलेक्ट्रॉन का समूह, इलेक्ट्रॉनों का समूह, डिफरेंट 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 इलेक्ट्रॉन्स, तो इट्स कॉल्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बीम निकल रहा है, ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीम्स, ओके। सो जो इलेक्ट्रॉन गन असेंबली, इलेक्ट्रॉन गन असेंबली हमने देखा है कि उसमें क्या है, हीटर है, कैथोड है, आपका कंट्रोल ग्रिड है, देन तीन प्रकार के एनोड्स हैं, वो सबसे इलेक्ट्रॉन गन असेंबली से जो होता है हाई वेलोसिटी का एक्सेलरेटेड होते हुए इलेक्ट्रॉन निकलता है। दिस फोकस्ड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द स्क्रीन सीआरओ स्क्रीन विद सफिशियंट एनर्जी टू कॉज ए ल्यूमिनस स्पॉट ऑन स्क्रीन, स्क्रीन पे ल्यूमिनस स्पॉट बनाने के लिए उसमें क्या होना चाहिए, सफिशियंट एनर्जी होना चाहिए ताकि वो वहां पे जाकर के स्पॉट बना सके। आफ्टर लिविंग द इलेक्ट्रॉन गन असेंबली द इलेक्ट्रॉन पासेस थ्रू टू पेयर ऑफ डिफ्लेक्शन प्लेट, जैसे कि हमने देखा है कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली के बाद दो प्रकार के प्लेट थे, एक हॉरिजेंटल प्लेट था, सॉरी एक वर्टिकल प्लेट था और एक हॉरिजेंटल प्लेट था, तो उसके बाद उसको छोड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ से पास होगा, इलेक्ट्रॉन बीम पास होगा हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेट से। द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल मूवमेंट्स आर इंडिपेंडेंट टू इच अदर, तो जैसे कि हमने देखा कि हॉरिजेंटल का मूवमेंट जो था वो क्या था, लेफ्ट और राइट, वर्टिकल का मूवमेंट अप एंड डाउन, तो वो दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है इच अदर, एंड दस द बीम में बी पोजिशन एनी वेयर इन द स्क्रीन, तो बीम कहीं भी पोजिशन हो सकता है, उसका इस मूवमेंट से और इस मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, तो किसी भी शेप का वेवफॉर्म बन सकता है, किसी भी शेप का वेवफॉर्म बन सकता है स्क्रीन पे। सो द वर्किंग पार्ट ऑफ सी आर वार इनक्लोज इन ए ग्लास एनवलप, जैसे कि हम लोग देखा था कि उसका एक और पार्ट था जो कि ग्लास एनवलप था, तो इसका जो भी वर्किंग पार्ट रहेगा उसको हम लोग ग्लास एनवलप में कवर कर देंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सीआरटी के विभिन्न भागों को, हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे डिटेल्स में, जैसे कि इलेक्ट्रॉन गन असेंबली हो गया आपका, डिफ्लेक्शन प्लेट हो गया आपका, वो सब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो चैनल के साथ बने रहिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।